तो भाई लोगों, आज का वीडियो है फ्रॉम द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, रियाद से। बहुत ही प्यारी सिटी है एंड द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। और वहाँ से आया ये वीडियो पतंगबाजी का। वहाँ पे हमारे रिजवान भाई, जो HMB, यस HMB मांझा मेकर के बेटे हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। वहाँ भी लोग इस शौक को पूरी फुल ऑन तरीके से इंजॉय करते हैं। कुछ झलकियाँ हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ स्टॉक्स आए हैं हमारे पास, तो शेयर करते हैं वीडियोस उनकी आगे आपके साथ। तो दोस्तों, ये है हमारे रिजवान भाई, जो अभी सऊदी अरेबिया में है। और सऊदी अरेबिया में जैसे बताया कि वहाँ पे पतंगबाजी के जो एक उसको है कि कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी बढ़िया से शो किया जा सके, तो इंडिया से बाहर भी जाके, अगर कहते हैं ना कि जिससे आपको प्यार हो वो करने को मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या है। तो ये आके देखिए, टीम है वहाँ पे जो रियाद में है, सब मिलके पतंगबाजी करते हैं। कुछ पतंगों की फ़ोटोज़ शेयर करी हैं, कुछ ग्राउंड से फ़ोटोज़ शेयर करी हैं। तो रिजवान भाई ने बहुत ही, मतलब मैं थैंक यू कहूँगा रिजवान भाई का, कि आप लोगों ने मिलके इस पतंगबाजी के, मतलब इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर भी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर मिलके पतंगबाजी, देखिए मेहनत तो हम सब करते हैं, जा रहे हैं बाहर विदेश जाते हैं, लेकिन उसके साथ अपना एक चीज़ जिसे आप प्यार करते करने को मिल जाए ना, तो काफ़ी फुल ऑन एनर्जी आती है। और उसी की, मतलब अगर आप देखे तो ये सारी फोटोज वहीं की है। तो देखिए कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बाहर विदेश में भी अपना काइट फ्लाइंग को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। और रियाद जैसे, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी में है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं और वहाँ से ये फोटोज आई हैं। तो हम कहते ना कि दिल से धन्यवाद कहूँगा रिजवान भाई का। बाकी आप फोटोज देख ही रहे हैं, ये सब वहीं से हैं, रिजवान मतलब रियाद से हैं सारी फोटोज। तो किस तरीके से लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और ये पतंगबाजी का शौक करते हैं। और यूजली पोना उड़ता जैसे हमारे इंडिया में बिल्कुल सेम फॉलो करते हैं, कोई बड़ी पतंगें नहीं उड़ती। और मांझे भी अब देखे थे, HMB जी के मांझे वहाँ पे गए हुए हैं, जो हमारे मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेकर हैं बरेली के, HMB। यस, ऑल इज गोल्ड आता है उनका, फ्रांस रिटर्न आता है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं और ये हमारे रिजवान भाई की एक और फ़ोटो। तो रिजवान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब फ़ोटोज़ शेयर करी हमारे साथ। और ये कुछ चरखियों की फ़ोटोज़ हैं जो उनके स्टॉक में जो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ फ़ोटोज़ उन्होंने भेज दी हमारे साथ। पतंगों की फ़ोटोज़ भी मैंने डाली है, बाकी टीम की फ़ोटोज़ मैंने दिखाई है, अब दिखाएंगे आपको आगे। दो तीन वीडियोस हैं, मतलब उसमें पतंगबाजी, थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा है, थोड़ी सी बातें चल रही हैं, तो वो वीडियोज़ भी हम आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए साहब, ये रिजवान साहब पतंग उड़ाते हुए रियाद के मैदान में, शानदार पे चल रहा है साहब। उधर से ताहिर साहब है, इधर से रिजवान साहब, सही की आवाज़ आ गई है। रिजवान साहब पतंग कब उड़ाए हुए, बाहर का कनकौवा रिजवान साहब का, ताहिर साहब ऊंचा भेज दिया, अच्छा पेज उड़ा दिया, अच्छा पेज उड़ा दिया। उस रिजवान रिजवान ने उमदा उमदा गजर करके काट दिया। तो दोस्तों, आपने देखा रिजवान भाई का पेज लड़ते हुए, पेज कैप्चर नहीं होगा, कोशिश करेंगे उनके, बोलेंगे पेज भी थोड़ा सा कैप्चर करें, बट आपको एक जो मेन मकसद है ना, तो ये दिखाना है कि कहते हैं ना कि जिससे आप प्यार करते, देखो आप भी काइट लवर्स हैं, काइट फ्लाइंग लवर्स हैं, हम भी काइट लवर्स हैं। और ये भाई भी देखिए बाहर विदेश जाके भी, मतलब अपने इस जज्बे को, मतलब एक होता है ना कि अपनी एक जो शौक करते हैं, जो पसंद करते हैं, उस चीज़ को जगाए रखे इन्होंने, मतलब रखा हुआ है कि वहाँ पर अपना काम, जो भी जिस मकसद से भी कहें, पढ़ाई के मकसद से या काम के मकसद से, उसके साथ भी टाइम निकाल के पूरा शौक कर रहे हैं। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं कि ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कब, क्या दुनिया कहती है कि टाइम नहीं मिलता, ये ऐसे निकलता, संडे को ये हो जाता है, ऑफिस के बाद काम वो हो जाता है। देखिए, अगर आप सही में इस शौक़ को प्यार करते ना, और जिस भी शौक़ को, मतलब चाहे वो क्रिकेट का हो या कुछ भी हो, जिससे आपको एक मोटिवेशन, एक आपको स्ट्रेस बस्टर मिलता है ना, तो उसके लिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, मतलब देखिए, अगर आप कहें कि बाहर चले गए, हम पतंगबाजी नहीं, तो ऐसा नहीं है।
पतंगबाजी करने थे, वो हर हर चीज़ के शौकीन मिल जाते हैं। तो मिलके थोड़ा सा टाइम निकाल के, जैसे वीकेंड कुछ भी हो तो आप निकालिए, देखिए भाई लोग भी देखिए इतना कोशिश मतलब इंजॉय कर रहे हैं, तो इससे ना बाहर जाके भी ना एक अपनापन बना रहता है। एंड काइट फ्लाइंग करने को मिल जाए, इतना बढ़िया ग्राउंड अगर देख रहे होंगे कितना दूर दूर तक, कितनी बढ़िया इसका दिखाव है। तो ऐसे ग्राउंड में पतंगबाजी करने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए यार भाई साहब, दिख रहा है ना बहुत ही मतलब बेहतरीन ग्राउंड। मतलब कहते ना कि गड़ोते मुड्डे गद्दे मारे जाएंगे यहाँ पे तो। बट एनी वे थैंक्स अलॉट रिजवान भाई, आप लोग ने मतलब ना ओनली कि आप बाहर जाके भी स्पोर्ट को, इस काइट फ्लाइंग को आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस अपने लिए भी मतलब देखिए खुद को मतलब अपनी जो भी आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उससे भी टाइम निकाल के इसके ऊपर भी आप ध्यान दें, ताकि ये मतलब एक होता ना कि अपना शौक भी होता रहे और साथ में काम धंधा और पढ़ाई भी होता रहे। तो उसके लिए ना मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। अभी देखिए थोड़ा सा आगे वीडियोज़ में, जैसे सब मतलब होता ना कि लंच ब्रेक एंड ऑल, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिटी, मतलब काइट फ्लाइंग हो गया, मिलना भी हो गया आपस में, और एक छोटा सा मतलब लंच या उसमें एक स्नैक्स टाइप में ब्रेक के अंदर हो गया, तो दिस इज़ द यूनिटी, आई लव दैट पार्ट, मतलब मज़ा आता है। और बाहर ऐसी वीडियोज मुझे बाहर से आती ना, वो इंडिया नहीं अब ऑस्ट्रेलिया में भी आया थी, कुछ होता है अब साउथी से भी मेरे को आई थी वीडियो आई, तो मेरे साथ रहा नहीं गया इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, तो मैंने सारी अपलोड कर दी। होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, इसमें ज़्यादा कुछ मानने का रिव्यू नहीं था, बट आपको बताना था कि देखिए किस तरीके से लोग बाहर जाके भी पतंग प्रेमी इस स्पॉट को आगे कर बढ़ा रहे हैं, इस पर फोकस करें, ताकि